क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वीकली वेज ऑफ रुपीज में ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर, फैक्ट्री में 30 वर्कर काम कर रहा है, 30 वर्कर का वेज कितना दिया हुआ है, एक वीक में कितना पैसे मिलता है, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है, यूजिंग टेलीमार्क मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्टेबल विथ इंटरवल, इंटरवल लेना 800 से 810, 810 से 820, इस तरह का इंटरवल लेना है। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले टेबल बनाएंगे, ये कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो ये हाई क्या डेटा क्या है, वेज है, वीकली वेज क्या है, वीकली वेज। ओके, अब आपको दिया क्या क्या दिया, इंटरवल लेना 800 से स्टार्ट करनी है, तो लेते हैं हम लोग। एट हंड्रेड से 810, 810 से 820, 822, 830, 832, 840, 842, 850, 852, 862, कहाँ तक ले जाएंगे। अब सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, तो वहाँ तक ले जाना पड़ेगा। लार्जेस्ट वैल्यू देखो इसमें क्या क्या है, इसमें 885 है, उसके बाद क्या है 898 भी है, यानी 900 तक ले जाना है। लार्जेस्ट क्या है 898, तो आपको 900 तक ले जाना है। ओके, तो कितना है 860 से 870, 872, 880, 882, 890, लास्ट में 892, 890 से लेके 900, 10-10 का इंटरवल है, ये वो क्लास इंटरवल। अब टैली मार देंगे, टैली मार्क के हेल्प से हम लोग करनी है। ओके, टैली मार्क, टैली मार्क्स, उसके लास्ट में क्या था, फ्रीक्वेंसी। आइए स्टार्ट करते हम लोग। पहला क्या देखो, फर्स्ट है 830, 830 कहाँ पे है, 830 यहाँ, जो 830 इसमें नहीं आएगा, 830 इसमें आएगा, नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं है, 830 इंक्लूड नहीं है, 810 इसमें नहीं आएगा, 810 इसमें आएगा। ओके, अब अपर लिमिट क्या एक्सक्लूड होता है। ओके, तो फर्स्ट आते हैं 830 किस में, इसमें है, तो इसके सामने देंगे टैली मार्क, दे दिए। ओके, फिर 835 है, तो 835 भी इसी में आएगा, फिर 890 है, तो 890 किस में आएगा, 890 इसमें आएगा। ओके, फिर उसके बाद 810, 810 किस में आएगा, इस वाले में आएगा, सेकेंड क्लास में। फिर 835 है, तो 835 किस में आएगा, इसमें आएगा। फिर 836 भी इसी में आएगा। फिर 869 क्या आएगा, 69 जो इसमें आएगा, इस क्लास में आएगा, 869। ओके, नेक्स्ट क्या है, 845 आएगा आपको इसमें, इस क्लास में आएगा। ओके, 898 लास्ट में आएगा, 98 इस वाले क्लास में। नेक्स्ट 890 भी इसी में आएगा। फिर है 820, तो 820 किस में आएगा, इस वाले में। फिर 860 किस में आएगा, 860 आएगा इस वाले में। 832 किस में आएगा, 832 आएगा
इस वाले क्लास में, तो 4 है 5 हो जाएगा वो। ओके नेक्स्ट क्या है, 833 इसमें आएगा, इसी वाली क्लास में। 855 किसमें आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। फिर 845 किसमें आएगा, इस वाले में। इसमें 804 आएगा, फर्स्ट वाले में। 808 इसी में आएगा। 812 सेकेंड वाले में आएगा। 840 इसमें आएगा। 885 इसमें आएगा। फिर 835 आएगा इस वाले में, ठीक है। फिर 835 फिर 835 है, फिर क्या आएगा, इसी में आएगा। फिर 836 है, फिर 836 भी इसी में आएगा। ओके फिर 878 है, 78 किस में आएगा, 78 आएगा इस वाले में। ओके नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 840 किस में आएगा, इसमें आएगा। ओके 868 किस में आएगा, इसमें आएगा। 890 लास्ट में आएगा। फिर 806 फर्स्ट में आएगा। 840 इसमें आएगा। 485 हो जाएगा। ओके ये कंप्लीट हो गया। आइए अब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है देखो, तो इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना आया, 3 है, 3 आ गया। इसका फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 लिख दो। इसका 1 है, 1 लिख दो। इसका कितना है, 5 + 4 9 है। इसका कितना, 5 है। इसका 1 है, इसका कितना, 3 है। इसका 1 है, इसका 1 है, इसका कितना है, 4 है। ओके इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। ओके तब देख टोटल कितना है, देखो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 3 + 2 5 + 1 6 + 9 15 + 5 20 + 1 21 3 24 26 + 4 30 आ गया। यानी 30 बर्गर का ये क्या है, जो वेज है 30 बर्गर का 30 आ गया। 30 आना चाहिए, 30 नहीं आ रही इसका मतलब कहीं मिस्टेक हुआ है। ओके तो 30 आ गया इसका मतलब सही है, जो आपको दिया क्वेश्चन में कितना वर्कर है, 30 वर्कर से। ओके ओके तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन इसमें कि कहता फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए, तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया। ये कौन सा बना, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। क्या है ये आपका है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके इवन ये करना था आपने कर दिया। ओके ये आंसर हो गया। ओके अब देखो बच्चे क्वेश्चन में थर्ड होता है, अब क्वेश्चन में थर्ड का ही सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन में फोर में। क्वेश्चन में फोर में कह रहा है, क्वेश्चन में थर्ड में जो आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करो। इसका हिस्टोग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, चूँकि ये क्या है, ये आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये क्लास इंटरवल में आपने कन्वर्ट कर दिया है। इसको हिस्टोग्राम में हम इसे इस डेटा को हिस्टोग्राम में दिखा सकते हैं, इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द हिस्टोग्राम। ओके तो क्वेश्चन फोर देख लो, देखो क्वेश्चन फोर में क्या करें,
draw a histogram for the frequency table made for the data in question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया कहता है उसका हिस्टोग्राम ड्रा करो, और ड्रा करने के बाद कहता है इसका आंसर दो, इसका आंसर। तो पहले हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं हम लोग, ओके हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं पहले क्वेश्चन 4 का। ठीक है, अब मैंने क्या बताया हिस्टोग्राम कैसे ड्रा करते हैं, जो क्लास इंटरवल है कहाँ दिखाते हैं, क्लास इंटरवल को दिखाएंगे कहाँ पे? आपको एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, और जो फ्रीक्वेंसी को कहाँ दिखाते हैं, y एक्सिस पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ओके, एक्स एक्सिस पर किसको दिखाएंगे, इन क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल लिखा है वीकली वेज है, वेज ऑफ वर्कर, तो वेज। अब इस पर वाई एक्सिस पर क्या दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी को। ओके, देखो क्लास इंटरवल कहाँ से स्टार्ट है, 800 10 10 का इंटरवल है, बट 800 से स्टार्ट है। अब देखो बच्चे, अगर हम यहाँ दें, यहाँ 800 दे दें, फिर 810 यहाँ दे दें, बट यहाँ इसके बीच देखो क्या है, जीरो है यहाँ पे, ये 800 इसके बीच डिस्टेंस अब 800 नहीं लग रहा है, यानी इसके बीच अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 10 है तो यहाँ के बीच डिस्टेंस 10 ही होगा, बट अब देखो ये क्या है, ये जीरो यहाँ पे, यहाँ 800, तो इसके बीच डिस्टेंस कितना होगा, 800 हो गया। ओके, अगर 10 10 के इंटरवल लेंगे तो हम लोग ऐसे, अगर ऐसे लिखेंगे 8 10 20 30, इससे जाते जाते 800 आते आते क्या होगा, ये कंप्लीट ही नहीं होगा, हमारे पास ग्राफ पेपर भी नहीं होगा जिससे हम इस तरह से अगर लिखेंगे तो 800 आने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो पेपर आपका वेस्टेज हो जाएगा बहुत सा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो क्या करते हैं, जब इस तरह से रहेगा, जब कि स्टार्टिंग का वैल्यू बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जिगजैग कर देते हैं, देखो इस तरह से ऐसे कर, ठीक है, इस तरह से कर दो, जिगजैग कर दो, यानी इस तरह से कर दो, इस तरह से। ओके, इसका मतलब हो गया क्या कि 800 डिस्टेंस इसमें इंक्लूड है, इन हाइट छिपा हुआ है 800 जो डिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करो, 800 यहाँ दे दो, अब इंटरवल 10 10 का, तो 10 10 इंटरवल ले लो, 810 820 830 840 800 एंड 10 10 का इंटरवल ले रहे हैं, 50 860 870 880 890 फिर 900। ठीक है, फिर 910 हो जाएगा। ओके, इसकी ज़रूरत है नहीं। और फ्रीक्वेंसी, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है आपका, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ कितना है, देखो तो 9 है, यानी ऐसे कम से कम फ्रीक्वेंसी जो वाई एक्सिस है उस पर 9 तक ले जाना है। ठीक है, यानी 10 तक ले लेते हैं हम लोग, तो 1 1 के इंटरवल ले लेते हैं हम लोग। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ले लिए। आप चाहो तो और ले सकते हो, 10 10 भी ले सकते हो, और थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा वाई एक्सिस को। अब ले सकते हो यहाँ पे 10। ओके, अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे, पहले बार ड्रा करेंगे, यानी कि 800 से 810 का बार ड्रा करेंगे, जिसका हाइट क्या लेंगे, जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो फर्स्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ, देखो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हाइट इसका 3 लेंगे, यहाँ तो लेंगे 3।
ओके, थ्री रेडियो हाइट। उसके सेकेंड है 810 से 820 का हाइट कितना है, फ्रीक्वेंसी टू है, तो इसका टू ले लेंगे। नेक्स्ट कितना है, टू के बाद वन है, उसके बाद नाइन है, वन ले लेंगे। इसका वन कहाँ पे है, देखो वन यहाँ है, फिर उसके बाद नाइन है, नाइन यहाँ तक है, यहाँ तक, आपको ग्राफ पेपर में दिखेगा बच्चे, ये सब काम करना ग्राफ पेपर पे, ठीक है। ये नाइन हो गया, ये कितना था टू, इस ये वन, ये नाइन है, इसका हाइट क्या है, नाइन है। नेक्स्ट क्या है, फाइव, फाइव और वन है, फाइव लीजिए, फाइव कहाँ तक है, यहाँ तक, फाइव हो गया, फिर वन, वन यहाँ पे है, वन, ओके। फिर क्या है, थ्री है, उसके बाद थ्री है, थ्री तक ले लेंगे, यहाँ तक, देन गैप नहीं देंगे, स्टूडियो में गैप नहीं होता दो बार के बीच में, ओके। नेक्स्ट क्या है, थ्री हो गया, फिर क्या है, वन वन है, वन वन फोर, दो बार वन, फिर वन, और फिर क्या लेंगे, फोर, फोर कहाँ पे, यहाँ पे है, ओके। ये आपको क्या बन गया, हिस्टोग्राम ड्रॉ हो गया, हिस्टोग्राम, ओके। तो ये आपका क्या हिस्टोग्राम हो गया, तो जो आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया उसका हमने क्या किया, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया, ओके। ये ड्रॉ कर दिया, इसका कितना था, फाइव था, इसका वन है, इसका थ्री है, इसका वन वन है, इसका फोर है, ड्रॉ। अब ने कहता है अब आंसर दो, क्वेश्चन नंबर किसका, फर्स्ट का, व्हिच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, किस ग्रुप में वर्कर ज़्यादा है, देखो जिसका हाइट ज़्यादा होगा, कौन सा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, 830 से 840 के बीच जो है, ये जो ग्रुप है जिसका वेज 830 से 840 के बीच है, इसमें वर्कर 9 है टोटल, सबसे ज़्यादा है। तो आंसर क्या देंगे इसका, फर्स्ट का आंसर, ग्रुप कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 830 to 840, ये आंसर होगा, इसी ग्रुप में सबसे ज़्यादा वर्कर है, कितना वर्कर है, 9 है, बाकी में कम है। सेकेंड में क्या देंगे आंसर, सेकेंड क्वेश्चन करता, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर, नंबर 850 मिल रहा है या 850 से ज़्यादा, देखो निकलेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग वेज रुपीज कितना, 850 और मोर, और मोर या ज़्यादा मिल रहा है या 850 मिल रहा है, तो कितना टोटल, देखो तो 850 कहाँ से स्टार्ट है, देखो 850 यहाँ से स्टार्ट है, या इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा किधर होगा, इस साइड होगा, राइट साइड 850 मिलता है या उससे ज़्यादा मिलता है, तो ज़्यादा क्या है, 860 मिलता होगा, 870, 880, 890, 900 इस तरह से मिलता होगा, कितना वर्कर है, तो वर्क वन इज वन है, यहाँ थ्री है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ फोर है, तो सबको ऐड कर दो, इतना वर्कर है जिसका वेज 850 है उससे ज़्यादा है, वन थ्री क्या क्या है, वन प्लस थ्री प्लस वन प्लस वन प्लस फोर, ये तो कितना आ गया, टेन, टेन वर्कर से जिसका वेज 850 है या उससे ज़्यादा है, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, थर्ड, थर्ड कह रहा है
हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, 850 से कम जिसको मिलता है वो कितना वर्कर है? देखो देखो बच्चे, 850 है या 850 से कम? कम किधर होगा? इधर होगा लेफ्ट साइड, इधर कम है ना। देखो सेल वेज 840 है, 30 है, 800 है, कम। तो कम वाला कितना वर्कर देख लो, 850 से कम। तो कम वाला ए भी है, ए भी है, और ए भी है, और ए, और ये सबको प्लस कर दो। तो इसमें कितना वर्कर है? 5 है। इसमें कितना है? 9 है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 वर्कर है। तो इतना वर्कर है जिसका वेज 850 से कम है। तो 5 प्लस 9 क्या क्या है? थर्ड में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स हैविंग वेज लेस देन रुपीज 850 इक्वल टू क्या? 5 प्लस 9 प्लस कितना कितना है? 5 है, 9 है, 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 टोटल वर्कर कितना आ गया? 20 प्लस कर दो, 9 प्लस 5 14 14 प्लस 1 15 15 प्लस 2 17 प्लस 3 20। तो 20 वर्कर है जिसका वेज 800 रुपीज 850 से कम है। ये आपका आंसर हो गया। ओके।